Hello guys, let's discuss today's current affairs, 25th August 2018, brought to you by salimbox.com. आज का जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि हमारे जो करंट न्यू पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं गुलाम सरवर खान, वो ये कह रहे हैं कि एलएनजी डील विद कतर टू बी मेड पब्लिक. ये उस दौर में हुई थी जब शायद खाकान अब्बासी थे, तो उन्होंने इस डील को क्लोज रखा था. तो अब जो हमारे नए पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि इसको पब्लिक करना है. उन्होंने ये भी कहा है कि जो डीजल प्राइस है उसको हम डिक्रीज़ करेंगे, एटलीस्ट ₹17 तक उसको डिक्रीज़ करेंगे. जो आज की सेकंड टॉप न्यूज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपॉइंटेड सैयद शिबली फराज, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुए थे. ये शिबली फराज जो हैं ये हमारे जो काफ़ी फेमस पोइट हैं अहमद फराज, उनके बेटे हैं. तो पीटीआई ने इनको एज लीडर ऑफ हाउस नामजद कर दिया है इन सैनेट. जो आज की थर्ड टॉप न्यूज़ है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने फरियाल, तालपुर और जरदारी उनको तलब कर लिया है. उनको पहले भी तलब किया था इन्होंने, जो कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले ली थी, तो इनको दोबारा तलब कर लिया गया है मंडे को. जो बाकी टॉप की न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने अल जजीरा जो न्यूज़ नेटवर्क है कतर का, उसको उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उसको रिवोक कर दिया है, ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है, बिकॉज उन्होंने कश्मीर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसकी वजह से इंडिया ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. यूएस ने अपना नया कॉन्सुलेट जनरल जो है वो लाहौर में तैनात कर दिया है. उसका नाम है कोलिन क्रैनविल्च. ये पहले काबुल में थी, इनसे पहले जो लाहौर में थी वो एलिजाबेथ कैनेडी थी. ये 31st कॉन्सुलेट जनरल हैं लाहौर में यूएस की. इसके बाद जो आज की टॉप की न्यूज़ है वो ये है कि जो इमरान इस्माइल हैं वो मंडे को 27th को हलफ उठा रहे हैं एज अ सिंध गवर्नर. तो ये सिंध के 33rd गवर्नर होंगे पीटीआई की तरफ से होंगे. ओवरऑल ये पीटीआई की तरफ से फर्स्ट हैं, ओवरऑल ये 33rd हैं सिंध के गवर्नर. तो इनका जो हलफ लेंगे वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लेंगे. सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज करंट अफेयर्स.